राजधानी के सार्वजनिक परिवहन में नया आयाम जोड़ने वाले पटना मेट्रो का निर्माण दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन करेगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने पटना मेट्रो के निर्माण में रुचि दिखाई है। मंगलवार को पटना मेट्रो परियोजना की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को जल्द काम शुरू करने का निर्देश दिया। सीएम ने अधिकारियों को मेट्रो कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए जल्द कार्रवाई करने का आदेश दिया। उन्होंने कॉरपोरेशन में कर्मचारियों और पदाधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने को भी कहा। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के स्थायी एमडी की नियुक्ति 2 हफ्ते में कर ली जाएगी। सीएम ने जायका से लोन लेने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। इससे पहले नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद ने मेट्रो प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन दिया, अब तक की प्रगति के बारे में भी बताया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा भी मौजूद थे। पहले चरण में पटना मेट्रो के 2 कॉरिडोर का निर्माण होगा। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की लंबाई 16.94 किलोमीटर होगी, जबकि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की लंबाई 14.45 किलोमीटर होगी। प्रोजेक्ट पर कुल 13,411 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसमें से 20% राज्य और केंद्र सरकार वहन करेंगे, जबकि 40% राशि का प्रबंध लोन से किया जाएगा। राजधानी में मेट्रो रेल योजना पर प्रदेश में 2016 से काम शुरू हो गया था। इसी महीने 6 फरवरी को केंद्रीय प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड ने पटना मेट्रो प्रोजेक्ट पर अपनी मुहर लगाई थी। इसके पूर्व राज्य कैबिनेट ने 26 सितंबर को इस परियोजना के लिए अपनी हरी झंडी दी थी। पटना से बिहार प्लस की रिपोर्ट।